गुड मॉर्निंग एवरीवन, काफी दिनों के बाद क्या क्या शॉप कर रही है, क्योंकि बैंक से मैसेजेस आ जाते हैं हर ट्रांजैक्शन पे। क्योंकि ये मैंने एक लिया है कुर्ता। सबसे पहले हमने आलू डाला, कुछ करनी है तो उस बेस वी ऑल हैड लॉट ऑफ फन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, काफी दिनों के बाद हमें ब्लॉग करने का मौका मिला है। एसी फुल स्पीड पे है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो मॉल। ओके, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर से बात करते हैं आपके साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग। सो दिस इज अ सरप्राइज व्लॉग फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो हमें बहुत मिस करते हैं और जो हमें बहुत कहते हैं कि प्लीज आप व्लॉग डेफिनेटली किया करो। तो आज हम वही करने वाले हैं क्योंकि आज है संडे और संडे होता है फन डे। सो प्लान ये है कि हम अभी जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम वसंत कुंज में एक मॉल है डीएलएफ, वहां पे जा रहे हैं। तो हमें सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं वहां का, बच्चों का जो ये किड जोन वगैरह है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो हमें लगा कि आज कबीर को वहां लेके जाते हैं, बिकॉज इतनी गर्मी पड़ रही है। मतलब जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि भाई मानसून आ गया, गाइस यहाँ पे मानसून नहीं आया है। यहाँ मानसून पता नहीं कब आएगा, एक दिन बारिश हुई और उसके बाद खत्म। इनफैक्ट गर्मी बहुत ज्यादा वापस आ गई, बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है। तो इसलिए हम जा रहे हैं किसी ऐसी जगह जहाँ हम इंडोर ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकें। और हम संडे निकलना प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि संडे दिल्ली में हल्का सा ट्रैफिक जो है थोड़ा सा कम होता कम है, वरना दिल्ली में बहुत हालत खराब हो जाती है। इनफैक्ट बताना भी कि हम कहाँ जा रहे हैं वो भी एक रिस्क है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग निकलते हैं जाने के लिए और रास्ते में इतना ज्यादा भीड़, इतनी ट्रैफिक होती है कि हम घूम के वापस आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और कबीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हमें एक और काम करना है, हमें कबीर की एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है नेक्स्ट सैटरडे, तो उसके लिए गिफ्ट पिक करना है, तो वो काम हम आज ही कर लेंगे। बिकॉज फिर क्या होता है, आप आराम से पार्टी इंजॉय कर सकते हो, वो गिफ्ट लेने की टेंशन नहीं होती है, तो वो काम हमें डेफिनेटली करना है। और बहुत सारी सेल लगी हुई है, अगर सेल पे सौरभ का कुछ मन करे तो ही कैन शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस, तो वो तो हमेशा कर ही सकते हैं। अच्छा। तो हम ये करने वाले हैं और लास्ट पूरा शॉपिंग कर लेने से पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा उसको इलैबोरेट करेंगे। वो आप जब एडिट करोगे बार बार सुनना रिपीट पे। अच्छा। आपको समझ आ जाएगा। और लास्ट वीक पूरा गाइज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वाइफ इज ऑलवेज राइट वाला जो वो पंक्ति है ना, वो वर्ड है, ये मानसी ने ना बिल्कुल सीरियसली ले लिया है दिल पे। अकॉर्डिंग टू हर वाइफ इज ऑलवेज राइट, शी इज ऑलवेज राइट। यू नो व्हाई डू आई वेयर ग्लासेस व्हेन आई ड्राइव विद यू, सो दैट आई डोंट गेट टू सी द आई रोलिंग। यू कैन नेवर सी दैट व्हाट इज माय एक्सप्रेशन लाइक, आई कैन फील इट। तो गाइज बैक टू द व्लॉग, मेरी पूरा हफ्ता तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आई वॉज लाइक डाउन विद कोल्ड एंड फीवर एंड बस बहुत ज्यादा वो हो गया। मैं भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, नहीं बहुत हेल्प किया सौरभ ने भी, मतलब ऑफिस था, सौरभ का भी ऑफिस बहुत हेक्टिक चल रहा है, बट या मतलब जब जब जरूरत थी सौरभ ने वॉज देयर, बट कबीर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरा वीक, ही टुक सच गुड केयर ऑफ मी गाइज, आई कांट टेल यू। मतलब बच्चे आपको कई बार कैसे सरप्राइज कर सकते हैं ना, मैं उसे बोलती थी मम्मा इज सिक ना, तो वो अपने ना किचन सेट से मेरे लिए टी कप में टी बना के ले आता था, एंड यू नो वेरी स्मॉल लिटिल नाइस थिंग्स टू जस्ट मेक यू फील गुड। तो आई एम बिल्कुल बैक टू माई यूजुअल सेल्फ नाउ, सो इट्स टाइम टू हेड आउट एंड इट्स टाइम टू मेक यू ऑल्सो एंजॉय द संडे विद अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय। Salmon, okay, and they have just grilled it with some salt, okay, and it comes with a sides of French fries. What is it? It's a sauce that you put on meat. Thank you. I
what are you doing? You love cleaning the table, don't you? See what daddy made. ओके गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं। इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 9 और हम मॉल में पहुंचे थे सुबह के 11 बजे। तो ऑलमोस्ट 10 घंटे हमने उस मॉल के अंदर बिताए और दिन जो है बिल्कुल भी नहीं पता चला। बहुत थक गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मानसी और कबीर पीछे रेस्ट कर रहे हैं। कबीर सो चुका है, इतना टायर्ड हो गया था वो कि वो बिल्कुल सो चुका है। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने वहाँ पर क्या क्या मस्ती करी। तो सबसे पहले तो कबीर ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, हैमलीज में, फन सिटी में बहुत ज़्यादा खेला वो। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि वो सेंट्रल लोकेशन था। तो हमने उनको भी बताया कि भाई हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और एक मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो उनके साथ थोड़ा कैचअप हो गया। बृष्टि से आप लोग मिले ही होंगे। तो बृष्टि आ गई और बृष्टि के साथ कबीर ने बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फन किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और डैडी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि आज डैडी बेबी सिटिंग डे था। तो मैं और मेरा फ्रेंड बृष्टि और कबीर को देख रहे थे और मानसी की फ्रेंड जो है वो आउट कर गए थे। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा इन लोगों ने शॉपिंग की और मुझे बीच बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि मानसी क्या क्या शॉप कर रही है, क्योंकि बैंक से मैसेजेस आ जाते हैं हर ट्रांजैक्शन पे। तो मुझे पता चल रहा था कि मानसी क्या मस्ती कर रही है। वो इट वाज फाइन, वो करा। फिर हम लोग सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलके एक जगह पे हैंग आउट कर रहे थे। थोड़ी देर हम लोग मैच देख रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ी टक्कर है। अभी नहीं पता कौन जीतने वाला है, बट लेट्स सी। उसके बाद वहाँ पे सब्सक्राइबर्स मानसी ने मुझे बताया हुआ कि क्या क्या बोलना है। तो सब्सक्राइबर्स मिले वहाँ पे, हमें ऑलमोस्ट 6 सब्सक्राइबर्स मिले थ्रू आउट द डे। एंड एवरीबडी वॉज काइंड इनफ टू वॉक अप टू अस एंड से हेलो। इट फील्स वेरी वेरी नाइस टू गेट रिकग्निशन फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो दैट वॉज नाइस। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा मानसी, एनीथिंग एल्स दैट वी हैव फॉरगॉटन? अलावा अभी जो सरप्राइज होने वाला है, हाँ, तो if you want to know what that secret is, which is a way to a Punjaban's heart, हमारे साथ बने रहिए, हम ऊपर चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो सरप्राइज क्या है। Hey guys, so अब हम घर आ चुके हैं और सौरभ किचन में बिजी हो गए हैं, कुछ कर रहे हैं। और कबीर अभी भी सो रहा है, तो अभी हम उसको नहीं उठा रहे, थोड़ी देर बाद उठाएंगे क्योंकि उसको खाना खिलाना है। और तब तक जो मुझे टाइम मिला है, मेरे को लगा आप लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या शॉपिंग करी। गाइस, कैन यू बिलीव इट, आज फाइनली मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी। डैडी ने बहुत अच्छी बेबी सेटिंग करी और मेरे पीछे चल रहा है मैच, फाइनल मैच। हमारे घर में जब कबीर सो जाता है, मतलब ये जितनी बार भी जो मैचेस हुए हैं इस बार सारे, वो सारे वो ऐसे ही देखे हैं म्यूट पे। तो आपको सारा मैच जो है वो ऐसे सिर्फ देखना है, यू कांट हियर एनीथिंग कि वो क्या बात कर रहे हैं, विच इज़ फेयर कि आपको कुछ तो करने को मिल रहा है। तो वो चल रहा है, बाकी बहुत सैड हो गए थे हम सब जब इंडिया हार गई थी। मतलब दे प्लेड रियली रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट, बट फिर भी आपको थोड़ा सा सैड फील होता ही है ना कि मतलब काश कप मिल जाता तो बात ही कुछ और थी, बट आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट टाइम। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं शॉपिंग की।
तो सबसे पहले मैंने वेस्ट साइड से लिए हैं दो नाइट सूट्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे नाइट सूट पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बट मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं थी, बट ये मुझे दो अच्छे नाइट सूट मिल गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हाफ स्लीव्स नाइट सूट है, तो अभी के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आगे ऐसे बटन्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर है, डॉट डॉट्स इसमें है। और ये इसका पजामा है या पैंट बोल सकते हो आप, इसमें इलास्टिक है एंड जो पैंट है वो 3/4 पैंट है और नीचे इसमें ऐसा कुछ बना हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत क्यूट सा सेट लगा मुझे ये नाइट सूट का, तो जब मैं पहनूंगी तो होपफुली मैं पिक्चर खींच के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद जो 1 सेकंड में बैटरी ख़त्म होने वाली है, ओके आई एम बैक। सो द सेकंड नाइट सूट जो मैंने लिया है वो डार्क ग्रे कलर का नाइट सूट है। अगेन ये भी एक टी शर्ट है, बहुत क्यूट सी टी शर्ट है। इसमें इस पर लिखा हुआ है एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ऑफकोर्स रियलिटी ये है कि आपको जब आप एक न्यू पेरेंट होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोने को नहीं मिलता है, बट फिर भी आप ऐसे नाइट सूट्स लो जो आपको स्केप करा दे रियलिटी से और आप सोचो कि आप थोड़ा सो सकते हो, तो बेसिकली दैट्स द मीनिंग। और इसका जो पजामा है वो फुल पजामा है, बट वो भी इस तरह का पजामा है, प्योर कॉटन है ये, और इसमें छोटे 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 पिंक कलर के हार्ट्स बने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये तो मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेट टाइप यू नो नाइट सूट लेना, तो अभी से जो दो ही लिया है मैं थोड़ा ट्राई करूंगी, बाकी जब और सेल लग जाएगी तब लूंगी। उसके बाद क्योंकि मेरी फ्रेंड आज साथ थी शिप्रा और वो बहुत अच्छी शॉपिंग करती है प्लस उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो उसके साथ आज मैं गई थी प्रोजेक्ट ईव करके एक स्टोर था, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, थोड़ी बहुत मतलब हाँ काफ़ी सारी कर दी दोनों ने मिल के, बट आधे आधे में थोड़ी बहुत ही है। तो पहले आपको मैं ये दिखाती हूँ कि ये मैंने एक लिया है कुर्ता, तो ये जो कुर्ता है ये 3/4 स्लीव्स का कुर्ता है, पूरे पे ये इस तरह के स्ट्राइप्स बने हुए हैं, तो एक तरफ सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं और एक तरफ सारे वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं, और आगे ये वाला जो प्रिंट टाइप है या डिज़ाइन है ये दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ मैंने लिया है रेड कलर के ट्राउज़र्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ट्राउज़र या पेंसिल पैंट बोल सकते हो, कॉटन की पेंसिल पैंट्स, और ये इतनी कंफर्टेबल पेंसिल पैंट्स और इतनी स्टाइलिश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो ये फोल्ड वोल्ड हो गई है, बट बेसिकली ये लिया एंड सेल चल रही थी तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हमें मिल गया था, तो ये हमने लिया। के अलावा लिया एक और कुर्ता ग्रे कलर का, समहाउ मुझे आज ग्रे कलर के कुर्ते बहुत ही ज़्यादा दिखे और ये बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि मेरे पास ग्रे कलर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी बहुत ही एक सिंपल कुर्ता है, 3/4 स्लीव्स का कुर्ता है ये, और आप देख सकते हो कि इस पर भी सिर्फ ये सिंपल से फ्लावर्स बने हुए हैं। बेसिकली इस कुर्ते का सारा जो मज़ा है वो इसकी सिंप्लिसिटी में है, इसके कलर में, इसका कलर काफ़ी यूनिक है, तो ये लिया। उसी के साथ मैंने लिया है ये टॉप, तो इस तरह के टॉप्स आजकल बहुत चल रहे हैं, ये जो चेक्स होते हैं तो इसकी ड्रेसेस, इसके टॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सिंपल सा मैंने टॉप लिया है, आप जैसे कि देख सकते हो इसको आप वाइट ट्राउजर्स के साथ, जीन्स के साथ पहनो, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत सिंपल भी है। और लास्ट मैंने एक सिंपल सी टी शर्ट ली क्योंकि इतना ज़्यादा मैं कबीर के साथ पार्क जाती हूँ, मुझे पार्क के लिए ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स, तो ये रस्ट कलर की टी शर्ट है, अगेन ये 3/4 स्लीव्स की टी शर्ट है एंड होपफुली कलर जो है मुझ पर अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगेगा, और ये रस्ट कलर की टी शर्ट है जो हम यूज़ करेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें ली और एक इयररिंग्स भी ली हैं जो मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं, वो मेरे ख्याल से प्रैम में पड़े हुए हैं, बट इन कुर्तों के साथ एक इयररिंग्स भी लिए, तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी शॉपिंग हमने करी एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया बिकॉज बहुत टाइम से करी नहीं है, बट अभी मेरा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो होपफुली हम उसके लिए कुछ शॉपिंग करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको ये सब दिखा के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अभी वेट करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो मैं मानसी के लिए लेके आया हूँ गोलगप्पे, क्योंकि उसको बहुत टाइम से गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो यहाँ पे जो ट्रे रखा हुआ है उसमें हम डालेंगे सबसे पहले पानी गोलगप्पे का। पानी जो है गोलगप्पे का मेरे ख्याल से बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पानी का टेस्ट अगर अच्छा ना हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट जो मैं कह रहा था कि सीक्रेट टू अ पंजाबन्स हार्ट, बेसिकली दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं उनको गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। बंगालीज़ में इसको फुचका बोला जाता है, बट उसका बनाने का तरीका और टेस्ट जो है वो बहुत अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिलता है वो भी बहुत टेस्टी होता है गोलगप्पे आटे के, सूजी के
साथ में मिलता है आपको हल्का सा आलू जो गोलगप्पे के अंदर जाता है। तो ये रहा आलू, और इसके साथ मिलता है सौंठ की चटनी जो मैं यहाँ पे सर्व करूँगा। और मानसी जो है उसको इतने टाइम से गोलगप्पे खाने की इतनी क्रेविंग थी कि आई होप उसको ये सरप्राइज़ जो है वो पसंद आए और वो इन्जॉय करेगी ये गोलगप्पे। मीठा पानी भी है, वो भी मैं एक सर्विंग डिश में डाल लेता हूँ और उसके पास चलते हैं, देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या है, उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। गाइस ये रहे गोलगप्पे और ये रहे मानसी का रिएक्शन। मानसी डू यू लाइक इट? ओ माई गॉड आई कांट वेट टू हैव इट। गाइस मैं बता नहीं सकती मुझे कितने दिन से मैं सौरभ कह रही हूँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं, एंड चाहे जो भी मौसम हो चाहे कैसा भी हो मुझे याद आ रही है मुझे मतलब बचपन में इतने गोलगप्पे खाती थी कि यहाँ के सब बंद हो चुका है नोएडा में। आज मैं अपनी वो मनोकामना पूरी करने वाली हूँ बिकॉज सौरभ हैज वन माई हार्ट। वाओ मनोकामना। हाँ एक्सीलेंट। सो हु इज गोना मेक इट? यू। ओके गोलगप्पे भैया 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 गोलगप्पा ले दो। ये लीजिए आपकी कटोरी गोलगप्पा का। इसी में आता है ना पहले आपको इसको पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। भैया भैया दे दो। एक मिनट रुको बनाता हूँ मैं। ओके तो सबसे पहले हमने आलू डाला, आलू भर के, उसके बाद सौंठ ली, उसके बाद उसमें डिप किया पानी में, और ये लीजिए आप रेड वाला रेड पानी। रेड पानी भी चाहिए? हाँ दोनों चाहिए होता है। और ये रहे आपके गोलगप्पे। How is it? Bomb blast. Is it nice? Excellent. अच्छा चलो देखो गाइस। हाँ गोलगप्पे खाना बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता है ऑब्वियसली क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर देखो इंडियन चाट का मुकाबला ना पूरे दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और इसको खा के मुझे वो गाना याद आ रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। गोलगप्पे को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है मानसी। नहीं तो मैं भी थैंक यू सो मच। ठीक है चलो हम इंजॉय करते हैं गोलगप्पे और उसके बाद बात करते हैं इनके साथ। ओके सो गाइस दिस इज़ द झुमकीज दैट आई गॉट जो मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई थी, मुझे मिल नहीं रहा था तो ये प्रैम में पड़ा था तो ये मैं लाई हूँ। इसका दूसरा साइज़ मैंने नहीं पहना क्योंकि मेरे को जो लगा कि आपको दिखाने के लिए मैं एक ही साइड पहनती हूँ। होप दिस इज़ विजिबल। इन ये जो सारे आउटफिट वगैरह मैंने लिए हैं इसमें मैं पिक्चर खिंचवा के इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली कभी ना कभी डालूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, हमारा आई डी नीचे दिया गया है। और जो गोलगप्पे वाले भैया हैं ये क्या बात है गोलगप्पे का पानी पी रहे मुझे बोला जाता है कि मुझे गोलगप्पे की क्रेविंग थी बट यहाँ पे हो कुछ और ही रहा है। मैंने तो सौरभ के हाथ से बने हुए गोलगप्पे सौरभ के हाथ से खा के बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, ऐसे लग रहा है कि मुझे निर्वाणा प्राप्त हो गया है एंड आई कैन लाइक नाउ गो टू हिमालयाज एंड कैन यू नो पी देयर फॉर एक खा सकती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। It's very funny to see somebody eating golgappa. I think that's the funniest thing to do. Or at times the scariest thing also. But guys, बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत enjoy किया। अब हम कबीर को उठाने लगे हैं उसके dinner के लिए। But this is a great activity जो आप और आपका partner weekend पे कर सकते हो। गोलगप्पे लेके घर आ जाओ, घर पे बनाओ, एक दूसरे को खिलाओ। आ हा हा बिल्कुल मानसी को खिलाने का या मानसी को खिलाने का तो बस बहाना था। मुझे भी गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट अभी मानसी ने 2-3 खाए होंगे, मैंने कम से कम 10 खाए होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार गोलगप्पे। जितने हमारे बंगाली व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कैलकटा में इसको गोलगप्पे नहीं बोला जाता है, फुचके मिलते हैं। फुचके तो मैं जब फर्स्ट टाइम सौरभ के साथ, मेरे को एक डाउट बिल्कुल क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है कि इसको फुचके बोले जाते हैं, मतलब वही करेले को करेला बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, बट गोलगप्पा जो है वो गोलगप्पा ही रहता है। जो कलकत्ता में फुचका मिलता है वो गोलगप्पा नहीं है, वो अलग आइटम है। जो महाराष्ट्र में हाँ दिखने में है, महाराष्ट्र में पानी पूरी है वो दिखने में ऐसा है लेकिन उसको आप गोलगप्पा नहीं बोल सकते, वो पानी पूरी है, वो फुचका नहीं है। तो उस बेसिस पे अच्छा नींद आ गई मेरे थ्योरी पे नींद आ गई इसको ठीक है बताओ। बेसिकली फुचके तो जब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम कलकत्ता गई तो सौरभ के घर के नीचे एक बहुत अच्छी मार्केट लगती है, तो वहाँ पे सौरभ और मैं गए, सौरभ ने कहा चल 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 फुचके खाते हैं, फुचके खाते हैं, हम फुचके खाने गए, ही एट 30 फुचकास 30
and I could have eaten more. मतलब we had to drag him back to home because हमारे बंगाली व्यूअर्स प्लीज कॉमेंट करके बताइए कि फुचका जो है वो कितना टेस्टी होता है और कितना अच्छा होता है. 30 is like nothing. And I just had 5 गोलगप्पास जिसमें अरे because those are गोलगप्पास, फुचकास are different. Guys please comment करके बताना कि आपने max गोलगप्पे फुचके या पानीपुरी अपनी लाइफ में कितने खाए. What is a max? Has anybody beaten this man's record? Please of course, करके it's hardly a record. उसके बाद से मैंने कैलकटा जाने ही बंद कर दिया because I can't see that. 30, 40, 50 वो कुछ भी हो सकता है यार. एक्चुअली ना पता है क्या होता है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है. मुझे बहुत टेस्टी लगता है वो. मेरा भी तो यही था, हम इतना खाते थे घर के पास हर शाम को जाके गोलगप्पे खा के आना और यहाँ पे बंद हो गया. नहीं, मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं और ये आज वाला तो बहुत टेस्टी था. So overall the day was a very good day. I think we all had a lot of fun and everybody achieved what they wanted to achieve. Everybody had fun, enjoyed with themselves. हमने birthday पे जाना है next Saturday, तो हमें gift लेना था, हमने वो भी ले लिया. पर gift क्या है वो मैं आपको next vlog में दिखाऊंगी. Hopefully हम next Saturday vlog करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने एक 5-year-old little girl के लिए क्या लिया है, तो वो हम करेंगे. yep. तो इसके साथ अब करें sign off. yep. और करें थोड़ा वेकेशन प्लानिंग. एब्सोल्युटली. सॉरी वेकेशन. या ठीक, सही सुना. ओके गाइस बाय. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, कमेंट करके फुचके के बारे में बताना मत भूलना, गोलगप्पे के बारे में भी बता देना और अपना वीकेंड एंजॉय करना. यप, बाय एवरीवन, गुड नाइट. मेरा दूसरा इयररिंग कैसा लग रहा है अपने? सॉरी. अच्छा चलो, तुम नोटिस करते हो, हस्बैंड से तो नोटिस करते नहीं हो. तो आपने एक क्यों खरीदा है? एक नहीं खरीदा, वहां रखा हुआ है. अच्छा. मैं आपका टेस्ट ले रही थी कि आपने नोटिस किया भी या नहीं. बाय.